सो अब मैं आई हूँ थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए, और क्या कुछ लेने वाली हूँ जल्दी जल्दी से लूँगी। ग्रॉसरी मेरी चल रही है, ग्रॉसरी करने के बाद मैंने अपनी बहन से मिलने जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी से ग्रॉसरी कर लूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी बहन को मिलने जाऊँ और लंच हम लोग साथ में करने वाले। सो गाइस, ग्रॉसरी हो चुकी है मेरी, और काफ़ी टाइम के बाद मैंने अकेले ने ग्रॉसरी की है अकेली ने, और अभी ग्रॉसरी करके मैं जा रही हूँ अपनी बहन से मिलने और फिर उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। सो वेट करें, वहाँ जाके दोबारा से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल जो है गैस ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अपनी बहन को पिक किया। और ये महारानी ने कभी भी फ्यूल फिल नहीं किया। हम भी दुबई से आए हैं, हम भी वहाँ पर लोगों से कराते थे, मगर इसकी गाड़ी में या तो अमर डाले फ्यूल या तो मैं डालूं। आज हम इसको सिखाएंगे कि फ्यूल कैसे डालते हैं। तो आज मैं सीखी हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसको कैमरे को बंद करेंगे, क्योंकि गैस स्टेशन पे कैमरा यूज करना अलाउ नहीं है। फिर आपने ये उठाना है, अपना ग्रेड सेलेक्ट करना है और फिर इसको डाल देना। फिर आपने उतनी देर दो गाने गाने हैं तब तक भर जाएगा। लेकिन तुझे बेस्ट बताऊं, पेट्रो कनाडा जाओ, गाड़ी में बैठे बैठे सब करो। हाँ नहीं, इसमें मुझे पॉइंट्स मिलते हैं ना, मैं पॉइंट्स के लिए तो आई हूँ इतनी दूर। अब था लंच का टाइम, और लंच में हम क्या करने वाले हैं, लंच मेरी बहन अभी डिसाइड करेगी कि हम लोग क्या करेंगे। क्या खा रहे हैं? सब्वे। ओके, तो हम लोग जा रहे हैं सब्वे, तो वहाँ से लंच करेंगे और बहुत मज़ा करने वाले हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ शॉपर्स पे। यहाँ से मुझे कुछ परफ्यूम परचेज करना था फॉर मैन, और यहाँ पे डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने लिए मैं खुद इतनी मुश्किल से डिसाइड करती हूँ। एंड गाइस, शॉपर्स में बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं। अभी शॉपर्स की जो बेस्ट बात है वो ये है कि इनके पास सारे लग्जरी ब्रांड्स भी आ चुके हैं। एंड गाइस, दिस इज़ जॉर्जियो अरमानी का सेट 128 में लगा हुआ है। सी परफ्यूम्स है इसमें, और मोक्लेयर। और मैं अपने फोकस से हटती जा रही हूँ, जो चीज़ मैं लेने आई हूँ उससे हट के मुझे अपने लिए नई चीज़ें दिख रही हैं, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं लेने के आई हूँ। सो लेट्स सी कि हम मेन परफ्यूम्स में से क्या ऑप्शन चूज़ करने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता, और आई नीड टू आस्क देम के ये जो 20x फास्टर पॉइंट्स हैं वो किसी भी परफ्यूम के ऊपर हैं या कुछ स्पेसिफिक के ऊपर हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पे मैन के ऑप्शंस हैं, कोच नहीं लूँगी मैं, आई विल ट्राई समथिंग डिफरेंट। इसमें से काफ़ी परफ्यूम्स हैं जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, लेट्स सी। सो दिस वन इज़ न्यू प्राडा, एंड मेरी जो नेक्स्ट लिस्ट है उसके अंदर ये वाला प्राडा मैं लेने वाली हूँ, जिसकी बॉटल मुझे बहुत ही क्यूट लगती है, बट इसकी स्मेल कैसी है मैं देख के बताती हूँ। एंड दिस वन इज़ $189। नार्सिसो। गाइस, इसकी बॉटल को लोग पसंद नहीं करते हैं, बट इसकी फ्रेगनेंस, ओह माय गॉड, मैन बहुत अच्छी है। नो, इट्स अ वुमन। ओह, इट्स सो फ्रूटी मीना। या इट्स फ्रूटी। हाँ, तुझे नहीं पसंद है फ्रूटी, बट दिस वन इज़ रियली 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 गुड। अभी हम लोगों की तलाश जारी है, और फिर हम लोग देखते हैं कि अभी हम कौन सा लेंगे। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई सिस्टर्स चैनल। और आज है एक रैंडम मॉर्निंग जिसमें आपको सब मेस दिख रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये सजे धजे चेहरों के पीछे की जो हकीकत है वो आपको दिखाई जाए कि एक रैंडम मॉर्निंग जो है छुट्टी वाले दिन वो कैसी होती है। कल हमने की थी थोड़ी ग्रोसरीज और काफ़ी कुछ समेट लिया था, लेकिन रात बहुत हो गई थी हमें मूवी देखते देखते, तो आज किचन क्लीनिंग का डे है। और आज मैंने सोचा कि मैं लोडेड क्रोसॉन्स बनाऊं, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ मेरी बहन का, वो नीचे आएगी, उससे मैं पूछूंगी कि वो नाश्ते में क्या करना चाहती है। अगर वो मुझे कहेगी कि जो मर्जी, तो फिर मैं उसको लोडेड क्रोसॉन्स खिलाने वाली हूँ। सो लेट्स वेट फॉर रैंडम मॉर्निंग्स। तो गाइज, ऐसी ही होती हैं कि आपको पहले सब कुछ समेटना पड़ता है। ये बिस्किट
ब्लैक एंड डेकर को हम पूरा स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये पहले पेंट्री में रख के आती हूँ तो उतनी देर अपना फोन लेके आ। ओके सो गाइस, लोडेड क्रोसॉन्स के लिए मेरे पास सब चीजें तैयार हैं। आई हैव सम वेजिटेबल्स, कुकम्बर्स, टोमेटोज, चीज क्रोसॉन्स। और गाइस, आज मैं आपको चाय की भी एक झटपट रेसिपी बताऊंगी। अगर आप घर में अकेले हो या दो लोग हो और आपका दिल नहीं चाह रहा चूल्हे पे चाय बनाने को, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि आप माइक्रोवेव में कड़क चाय कैसे बना सकते हो। इसमें मैं दो लोगों के लिए चाय बना रही हूँ, तो मैं 3 टी बैग्स डालूंगी और 2 डालूंगी मैं इसमें स्वीटनर। अब आप चाहो तो आप इसमें नॉर्मल पानी डाल सकते हो, लेकिन मेरी कैटल क्योंकि ऑन थी तो मैं कैटल से इसमें पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी आप टैप वाटर डाल लो या जो भी आप पानी यूज कर सकते हो। इसको हम 2 to 2.5 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे। व्हाइटनर जो भी आप यूज करते हो आप डाल सकते हो। तो आज हमारा बाहर खाने का प्लान बन रहा है। सो यहाँ पे मेरी बहन ने बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, और साथ ही साथ इतना प्यारा मौसम है कि इसने मुझे कहा आज मैं तुझे मज़े का ब्रेकफास्ट कराऊंगी और अच्छे से व्यू में तुझे लेके जाऊंगी। और आजकल हमारा ये फेवरेट शो हुआ हुआ है, हमें बस ये होता है, इंतज़ार रहता है इसका कि जल्द से जल्द ये आए और हम इसके एपिसोड देखें। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों का फेवरेट इनमें से कौन है। हमारा अभी तक फेवरेट जो है आदि और उमर ही जा रहा है, बाकी हमें इतने पसंद नहीं आ रहे हैं। तो चलो मैं अपनी बहन से पूछती हूँ कि उसका फेवरेट कौन है। उमर एंड सेकेंड आदि। कल तक मेरा उमर एंड मायरा थी। या राइट, लेकिन कल से मायरा मेरी लिस्ट से थोड़ा आउट हो गई। आई डोंट नो अगर वो कुछ ऐसा कर दे कि वो मेरी लिस्ट में वापस आ जाए, लेकिन उमर ऑलवेज ऑन टॉप और एंटरटेन भी अच्छा कर रहे हैं। हो गया हमारा, अब हम थोड़ा सा टीवी देखेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सफाई। और टाइम इतना फास्ट गुजर रहा है, आज हमारा लॉन्ग वीकेंड का लास्ट डे है और 11 ऑलरेडी बज गए हमें नाश्ता करते करते। अब लेट्स सी कि इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है। आज हमने फुल डे घर पे स्पेंड करना, हम बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। 2 दिन से हम लोग बाहर थे और अभी हम लोग सिर्फ घर में ही डे स्पेंड करने वाले हैं। सो गाइज, ये टिकटॉक देखने बैठ गई थी और व्लॉग के मोटिव से हम बिल्कुल हट चुके थे। अब मैं इससे एक सवाल करूंगी, चूज वन, टॉप्स या बॉटम्स? कर टॉप्स। टॉप्स, ओके। आई क्लीन द टॉप्स, यू क्लीन द बॉटम्स। मतलब तू फ्लोर वगैरह सब क्लीन कर, मैं कुछ टॉप्स। ये कौन सी नई बात है, मैं हमेशा ही करती हूँ। आज मैंने इसको बोला तू क्लीनिंग कर, तू सब कुछ कर, आज मैं रेस्ट करूंगी। आज मैं तो मैं कर रही हूँ, और ये मेरे से गेम खेलने लग गई है टॉप्स के बॉटम। आई क्लीन एवरीथिंग व्हिच इज ऑन द टॉप एंड यू क्लीन। और इसको किचन में जाके मतलब कि अगर मैं बैठी हूँ ना किचन में गई है, तो उसको मुझे आवाजें मारनी है कि बस मैं भी उठ जाऊं, मैं बैठी ना रहूं। क्योंकि हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते।